गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो एक्चुअली मेरा कुछ मन कर रहा था चटपटा खाने का, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ही ली है नमकीन, जो कि नॉर्मल नमकीन होती है घर पे। तो चलो अभी बनाते हैं इसका चटपटा। और साथ में मैंने लिया है एक लेमन और एक ग्रीन चिली एंड साथ में ओनियन। तो चलो आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं कुछ बनाने जा रही हूँ। तो हाँ गाइस, ले रही हूँ मैं ये बाउल और इसमें अभी डालूंगी यहाँ से नमकीन। इसमें अच्छी नमक मिर्ची पड़ी, सबसे पहले डाल दी इसमें नमकीन। और अभी काटूंगी प्याज को और नींबू को और ग्रीन चिल्ली को और इसमें करूंगी मिक्स। तो देखने कितनी प्यारी चीज़ बनती है। गाइस मैंने प्याज को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है और यहाँ पर है ग्रीन चिल्ली जिसको भी काटा है स्मॉल स्मॉल पीसेज में। और साथ में लिया है मैंने टमाटर, इन सभी को काट दिया स्मॉल पीसेज में। और ये है नींबू। तो चलो अभी करते हैं इन सभी को मिक्स, तो फिर बन जाएगा हमारे स्नैक्स खाने के लिए रेडी। तो चलो देखते हैं कि कैसा बनता है। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और साथ में फिर इसमें निचोड़ेंगे नींबू का रस। तो ये बन जाएगा हमारा बेलपुरी की तरह एकदम घर पे ही। तो आप भी ये अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं अगर आपका कभी मन करता है कुछ खाने का। तो बहुत ही टेस्टी बनता है एक्चुअली। ये मैंने एक दिन पहले भी बनाया था चाय के साथ, बट अभी चाय के साथ नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ। तो ये गाइस अभी इसमें निचोड़ने जा रही हूँ मैं नींबू का रस। और फिर इसके बाद इसको करूंगी मिक्स, तो फिर आपको दिखा। तो हाँ गाइस देख सकते हैं आप, हो गए हमारे यहाँ पे स्नैक्स रेडी। देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहे हैं, तो खाने में बहुत ही मस्त होंगे खट्टे और तीखे तीखे से। तो हाँ गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल पे ज़रूर से सब्सक्राइब करना और ख़ुद भी घर पर ये सारी चीज़ें ट्राई करना, एक्चुअली बहुत ही अच्छा बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।